सुशांत सिंह राजपूत केस में राजनीति कितनी हुई है ये तो हमने देखी है। वेल, जहां एक तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को ही जांच करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि अब जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहीं पर भी सहयोग नहीं किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुरुआत से ही इस बात पर अड़ी हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस को मुंबई में ही सॉल्व किया जाना चाहिए, मुंबई पुलिस ही सॉल्व करेगी। ऐसे में संजय राउत ने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए थे, लेकिन इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फटकार लगा दी। और क्या किया, मैं आपको बता दूं कि अब बहुत ही जल्द यानी कि कल के दिन जो है 20 अगस्त के दिन बिहार से सीबीआई टीम आ रही है जो कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आनन फानन में एक मीटिंग का आयोजन किया है। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत ही उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के सीएम को और काफी लोगों ने मिलकर आनन फानन में एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन जैसे ही इस बात पर अपडेट सामने आएगी मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि इस बात पर ये चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से सीबीआई को काम करने देना चाहिए, किस तरीके से सहयोग करना चाहिए, मुंबई पुलिस कौन से एविडेंस कौन से प्रूफ जो है वो सीबीआई को सौंप देगी। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग की क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रहे चैनल के साथ सभी अपडेट्स के लिए।